सर मैं पहले ये बात करना चाहता हूँ, अभी दो मिनट का समय लेकर देना चाहता हूँ। जी जी मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने डिप्टी डीन के ऊपर और जो हरियाणा न्यूज चलाते थे उसके ऊपर भी ऐसा प्रोग्राम चलाए जी, और ये जानना चाहता हूँ सर, जो लॉकडाउन में बच्चों की फीस भरना भी मुश्किल हो गए और सर 10,000 रुपये की जा रही है सर, दो दो महीनों के लिए अब क्या करिए आप बताओ। जी चलिए सिकंदर जी, हरियाणा न्यूज आप जी जी सिकंदर जी हमारा ही चैनल है, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपकी आवाज को बुलंद करें, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इस राय को साझा करने के लिए। देखिए इसी का जिक्र हम लोग कर रहे थे, हर जगह इस तरीके की जो समस्याएं हैं बिजली बिल की जो रीडिंग है उसको लेकर के होती है और लोग अनाप शनाप बिलों की वजह से बेहद परेशान नजर आते हैं और बिना रीडिंग के भी, अब तो ये जो जानकारी सामने आ रही है कि इसमें बिना रीडिंग के ये जो बिल भेजा गया है उसकी वजह से भी लोग परेशान हो रहे हैं। और अगर आपके आसपास भी आपके भी कोई जानने वाले में या अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घटित हुई है या आपके पास भी इस तरीके का गलत बिल पहुंचा है तो फिर आप अपनी राय जरूर साझा करें। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देखें और इस पर कॉल करें और आप अपनी राय को रखें। आपको क्या लगता है कि कैसे ये जो बिजली के गलत बिल हैं इसका निदान क्या हो सकता है, किसके पीछे कारण क्या समझते हैं आप, क्यों इस तरीके से जो गलत बिल हैं वो पहुंच जाते हैं और क्या आपको लगता है कि जो कार्य शैली है अधिकारियों की, जब शिकायत करने के लिए आप लोग जाते हैं तो वहां पर सुनवाई होती है और किस तरीके से जो बार बार चक्कर लगाने को मजबूर होती है आम जनता, उसके पीछे भी आप क्या कारण समझते हैं। तो ये बहुत ऐसा अहम मामला है जिस पर आप अपनी राय को जरूर साझा करें क्योंकि नंबर आपके स्क्रीन पर है और इंडिया न्यूज राजस्थान आपको लगातार ये मंच दे रहा है कि आप अपनी राय को रखें इन नंबरों के माध्यम से ताकि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे और इन समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो, क्योंकि बिजली के बढ़े हुए बिल बहुत बड़ी समस्या है और अमूमन हर जगह इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो देखने को मिलती हैं जब बिजली के बढ़े हुए या फिर गलत बिलों से लोग परेशान नजर आते हैं और लोग फिर अधिकारियों के चक्कर या बिजली दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान हो जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता है। तो गलत रीडिंग या बढ़े हुए बिल ये एक बेहद आम समस्या हो गई है। और अब नसीराबाद की भी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी देखिए महिलाएं ऐसे ही उतरकर विरोध करती हुई नजर आई हैं। संजीव हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं कोटा से, संजीव जी बहुत स्वागत आपका। संजीव जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चलिए संजीव जी 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 आप अगर सोलर का मीटर लगा रखा है तो बिल वही आ रहा है और डायरेक्ट सोलर नहीं लग रहा तो वही आ रहा है, सोलर की मीटिंग लेना रीडिंग लेना नहीं आता है जी। चलिए संजीव जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस राय को साझा करने के लिए। तो संजीव जो एक दर्शक हमारे साथ जुड़े उनकी तरफ से भी यह कहा गया। सीमा हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रही हैं, सीमा जी बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में, क्या कहना चाहती हैं? हमारा बिजली का बोल बहुत आ रहा है, मार्च से कोई रीडिंग देने वाला नहीं आ रहा। हेलो हेलो सुनने के लिए हेलो सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो कि अपनी राय को रख रही थी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिना रीडिंग के जो ज्यादा बिल भेजे गए हैं अब उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय को जरूर साझा कर सकते हैं। आपके आपके चैनल पर ये जो नंबर हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय को रखिए और अनाप शनाप बिल जो आपको भेजे जाते हैं उससे आपको क्या लगता है किसके लिए जिम्मेदार कौन है और किसकी जवाबदेही होनी चाहिए, आप अपनी राय को जरूर साझा कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर है। बिना रीडिंग के जो बिल है वो ज्यादा भेजा गया है और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अगर आपके आसपास भी आपको भी इस तरीके से कोई दिक्कत या परेशानी हुई है तो फिर आप अपनी राय जरूर रखें और अपनी राय को साझा करें और अगर आपका भी बिल ज्यादा आया है तो आप भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि ये मंच इंडिया न्यूज राजस्थान आपको दे रहा है ताकि आप इस माध्यम से भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकें और अपनी बात को पहुंचा सकें ताकि अधिकारियों तक ये बात पहुंचे। तो नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं,
एक बार फिर से आपको बता दें क्योंकि बिना रीडिंग के या फिर बढ़े हुए बिल एक बड़ी समस्या है। अशोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शक। अशोक जी बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मेरे पास मेरे बिजली के कनेक्शन में क्या होता है कि सुबह जब बिजली जाती है उस समय रीडिंग 3 यूनिट बढ़ जाते थे जी। मैंने इसके संबंध में संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की, इनको लिखित में भी शिकायत की, मैंने उसके वीडियो बना बना करके इनके ट्विटर पर भी डाला, पर उसका कोई समाधान नहीं हुआ जी। अंत में फिर मैंने इस मीटर को चेंज करवाया जिसका चार्ज भी मुझे देना पड़ा। इस तरह से मतलब बिजली जाती है और 3 यूनिट बढ़ के रीडिंग आ जाती है अपने आप ही, इस तरह के वीडियो बनाए मैंने जी। तो इस तरह से मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इस तरह की व्यवस्था बना रखी है कि जब बिजली जाती है और वापस लौट करके आती है तो मीटर ट्रिप कर जाता है, तो इस तरह की मेरे अलावा और लोगों के साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है सर। पता नहीं रहता कि दिन में कितनी बार बिजली जाएगी तो कितनी बार उसमें रीडिंग बढ़ करके आएगी, ऐसी जानकारी हमको अपने मीटर के बारे में भी रखनी चाहिए सर जी। जी चलिए बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को साझा करने के लिए। जो देखिए दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी राय को रख रहे हैं, और अगर आपके साथ भी बढ़ी हुई बिल को लेकर के कोई समस्या है तो आज अपनी आवाज आप जरूर बुलंद करिए, क्योंकि इस मुद्दे को हम आपके बीच में इसलिए लेकर के आए ताकि इन मुद्दों का समाधान निकले और आपकी जो परेशानी है उसका भी हल निकले और संबंधित विभाग तक या अधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंचे, ताकि इस तरीके से जो समस्याएं आती हैं खासतौर से बिजली की रीडिंग को लेकर के, बिल को लेकर के, ये समस्याएं ना आए। इसलिए इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर साझा करें, ये नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और इन नंबर पर कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करिए। तो आज बिजली के बिलों में जो भारी भरकम गड़बड़ी देखने को मिलती है या फिर गलत तरीके से जो बिल आ जाते हैं या अनाप शनाप बिल जो आते हैं जिसमें रीडिंग या तो लेने के लिए कोई नहीं पहुंचता है या फिर बिना रीडिंग के ही बिल थमा दिए जाते हैं, हजारों में ये बिल होते हैं। डोमेस्टिक कनेक्शन पर भी हजारों के जो बिल हैं वो आम उपभोक्ताओं का थमाए जाते हैं और लोग फिर परेशान होते हैं, बिजली विभाग के चक्कर काटते हैं और उसके बावजूद भी हल होता हुआ इस समस्या का नहीं नजर आता, और उसके बाद बार बार उनको चक्कर काटने पड़ते हैं और उसके बाद मजबूरन लोग बेहद परेशान होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और इसके पीछे वजह क्या, जानते हैं आप, अपनी राय को साझा जरूर करें। अशोक जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अशोक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिजली का बिल में बिना रीडिंग ज्यादा आ रहा है जी। आप तो रीडिंग देख कर बिल निकालते हैं, ऐसे ही सर पर आते भी नहीं है और ऐसे निकाल देते हैं, जी नहीं आता कोई भी। अशोक जी क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी सर। अशोक जी फिर आपने इसकी शिकायत की, क्या कुछ कहा गया अधिकारियों की तरफ से? शिकायत भी किया था लेकिन शिकायत जो ऑनलाइन बताते हैं कि आपकी शिकायत कर दी जाएगी, आपको दोबारा अगले दिन लागू उसमें एडजस्ट कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए अशोक जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी इस राय को साझा करने के लिए। तो लगातार आप देख रहे हैं क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, अपनी राय को भी साझा कर रहे हैं, आप भी अपनी राय को रखें और बिजली के बिलों में जो भारी गड़बड़ी हुई उसको लेकर के आपकी क्या राय है आज अपनी राय जरूर रखें। नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि बढ़े हुए बिजली का बिल एक बहुत बड़ी समस्या है आम उपभोक्ताओं के लिए, जो कि या तो बिजली का या तो उतना इस्तेमाल नहीं करते या फिर गलत रीडिंग की वजह से उनके पास बिल आता है। और कई जगह पर तो जो जानकारी है वो ये भी कि बिना रीडिंग के ही उनका बिल आ गया, क्योंकि कुछ दर्शक हमारे साथ ऐसे भी जुड़े जिन्होंने बताया कि इस लॉकडाउन के दौरान वो अपने घर को बंद करके कहीं और गए हुए थे, उसके बावजूद भी उनका जो बिल है भारी भरकम उनको थमाया गया, जबकि उस दौरान उनके घर में बिजली का उपभोग भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से जो भारी गोलमाल है या फिर ये जो पूरा गड़बड़ झाला है वो इस बिजली बिल को लेकर के देखने को मिलता है और लोग फिर बहुत परेशान होते हैं, बार बार बिजली विभाग और अधिकारियों के चक्कर काटते हैं लेकिन समस्या का समाधान आसानी से होता हुआ नजर नहीं आता। इसलिए इस माध्यम से आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे और इसका कोई समाधान निकले। देवकरण जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, देवकरण जी बहुत स्वागत आपका, क्या कहना चाहेंगे? देवकरण जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी देवकरण जी क्या कहना चाहेंगे? मैं कहेंगे सर कि यह बिजली का बिल में बहुत ज्यादा यूनिट आ गया है जी। हेलो जी देवकरण जी सुन रहा हूँ मैं, बात रखिए अपनी। बहुत ज्यादा यूनिट आ गया सर जी। चलिए चलिए देवकरण जी शुक्रिया। तो देवकरण जी भी परेशान हैं क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा इनको भी आया है और इसका कोई समाधान, कोई इसका हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये मुद्दा चूंकि आपसे जुड़ा हुआ है इसलिए अपनी राय जरूर साझा करें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, बिजली के बिल
बढ़े हुए बिजली के बिल ये लोगों के लिए परेशानी का सबब है और देखिए कैसे यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर इसीलिए उतरी हुई हैं क्योंकि इनका बिजली का बिल बिना रीडिंग लिए ही इनको दे दिया गया है और ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है जिसको भरने में वो असमर्थ हैं और वो ये भी कह रही हैं कि ये बिल गलत है। और ऐसे ही तमाम बढ़े हुए बिजली के बिल लोगों को परेशान करते हैं और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, अगर आपके आसपास आपके गली मोहल्ले में आपके शहर में आपके गांव में आपके कस्बे में अगर इस तरीके से बढ़े हुए बिजली का बिल आपको भी परेशान कर रहे हैं और आप भी चक्कर काट काट के अधिकारियों के परेशान हो चुके हैं तो आज हल्ला बोल सकते हैं इस मुद्दे पर क्योंकि बढ़ा हुआ बिजली का बिल एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अधिकारियों के और बिजली दफ्तरों के चक्कर काट काट के परेशान होते हैं लेकिन हल और समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आता और इसलिए इसको लेकर के आज ये आक्रोश भी सड़कों पर देखने को मिला है जब ये तमाम महिलाएं सड़कों पर उतरी और इन अनाप शनाप बिलों को लेकर के विरोध जताया गया और आरोप तो ये भी लगाए गए कि इन जगहों पर जहां पर इनके ये बढ़े हुए बिल आए हैं वहां पर रीडिंग लेने भी कोई नहीं पहुंचा था यानी कि बिना रीडिंग लिए ही ये जो बिल है इनको थमा दिया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो पूरा गड़बड़ झाला है वो बिजली विभाग में देखने को मिल रहा है और बिजली के बिलों में जो भारी गड़बड़ी है वो इसी वजह से सामने आई है और अब आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अजमेर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, क्या नाम है, अपना नाम बताएं और उसके बाद अपनी राय रखें। तो आप भी फोन करिए, अपनी राय रखिए। लगातार जो दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं, अपनी राय को रख भी रहे हैं क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं और कई दर्शक जो कि हमारे साथ जुड़े हैं जिनके बिजली के बिल ज्यादा आए थे वो भी अधिकारियों के और बिजली दफ्तरों के चक्कर काट के परेशान हैं लेकिन इसका हल उनको अब तक नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के बिजली के बढ़े हुए बिल एक बहुत बड़ी समस्या है और इसलिए ये मंच आपको इंडिया न्यूज राजस्थान दे रहा है कि अपनी आवाज को बुलंद करें, आप भी हल्ला बोलें ताकि आपकी जो आवाज है ऊपर बैठे हुए अधिकारियों तक पहुंचे और इस तरीके की जो गड़बड़ झाले या जो तमाम अनियमितताएं देखने को मिलती हैं बिजली के बिलों के अंदर उसमें सुधार हो सके, इन बढ़े हुए बिजली के बिलों को किसी प्रकार से सही किया जा सके, इसलिए अपनी राय को आज जरूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखें और इस पर कॉल करें, अपनी राय रखें। और आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार इसके लिए कौन है और क्या आपकी सुनवाई हुई है क्योंकि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको लगता है कि आपकी बात सुनी गई है। पंकज हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पंकज जी बहुत स्वागत आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिसोली जिला बराई से बोल रहा हूँ जी। मीटर रीडिंग वाले जो आते हैं 100-500 रुपए ले आते हैं और मीटर रीडिंग कम कर जाते हैं और बिल देते हैं अपने बाद में इकट्ठा होकर बसानी होती है बहुत ज्यादा जी, भ्रष्टाचार यहाँ बहुत हो रहा है बिजली का। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम बातचीत के लिए। तो भ्रष्टाचार हो रहा है पंकज जो की एक दर्शक जुड़े उनके तरफ से कहा गया। तो बिजली के अनाप शनाप बिलों से लोग परेशान थे और लोगों ने अपनी राय को भी साझा किया, इसीलिए इस मुद्दे को हम आपके बीच में लेकर के आए थे जहां पर राजस्थान के तमाम दर्शकों ने हल्ला बोला है। आज हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार। अच्छे हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज मतलब लाखों का बिल, इसलिए पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है, समझे गुरु? बाहर आने जाने वाले हर चार लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadley.com, alcoplus@picadley.com।
इंडिया न्यूज राजस्थान देखिए डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 110, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 556, एयरटेल पर चैनल नंबर 348, हैथवे केबल पर चैनल नंबर 782, डिश टीवी पर चैनल नंबर 4015 और फास्टवे रेडिएंट पर चैनल नंबर 336।